मुख्यमंत्री पूरी शुभकामना है कि नीतीश कुमार जी 15-20 मुख्य प्रधानमंत्रियों से मिले और नरेंद्र मोदी जी स्थापित हैं, अब उसमें कोई चिंता विंता नहीं है। नमस्कार, मैं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस समय इफ्तार की पार्टी करके नीतीश कुमार दिल्ली में सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने पे लगे हैं। नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सबको एकजुट करने पे लगे हैं। इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है नीतीश कुमार को, तो ये नीतीश कुमार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं वो साफ साफ कह चुके हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। कल आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से सारे लोग, नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और फिर ललन सिंह, ये सारे तमाम नेतागण उनसे, मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके निवास पे मुलाकात की और विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जमकर तैयारी करने के लिए बातचीत कही है। तो इस पे आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। मेरी पूरी शुभकामना है कि नीतीश कुमार जी 15-20 मुख्य प्रधानमंत्रियों से मिले और नरेंद्र मोदी जी स्थापित हैं, अब उसमें कोई चिंता विंता नहीं है। लेकिन ये जो 15-20 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं इसको तो नीतीश बाबू बताएं कि कैसे एक साथ लाएंगे। तो आपने सुना बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को क्या कुछ कह रहे थे। वो नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपने अगले साल भी देखा था कि 20-25 नेताओं के साथ वो बैठकर फोटो ले रहे हैं, तो कभी खड़ा होकर तो उनके साथ घूम रहे हैं। तो ऐसे ही उनका काम है, घूमते रहिए, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन 2024 और 25 में कुछ होने वाला नहीं है, पूर्ण रूप से भाजपा ही भाजपा आएंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पार्टियों को मेरी पूरी शुभकामना है कि नीतीश कुमार जी 15-20 मुख्य प्रधानमंत्रियों से मिले और नरेंद्र मोदी जी स्थापित हैं, अब उसमें कोई चिंता विंता नहीं है। लेकिन ये जो 15-20 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं इसको तो नीतीश बाबू बताएं कि कैसे एक साथ लाएंगे। मेरी पूरी शुभकामना है कि नीतीश कुमार जी 15-20 मुख्य प्रधानमंत्रियों से मिले और नरेंद्र मोदी जी स्थापित हैं, अब उसमें कोई चिंता विंता नहीं है। लेकिन ये जो 15-20 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं इसको तो नीतीश बाबू बताएं कि कैसे एक साथ लाएंगे।